नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं अपने गांव, और अपने गांव के आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं खेत वगैरह है। तो आज वैसे भी विंटर में कोर्ट्स बंद हो चुकी हैं और कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जिसके मद्देनज़र देखते हुए हाई कोर्ट ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, DRT हैं, सबकी फिजिकल हियरिंग को बंद कर दिया है। तो ऐसे संदर्भ में अभी कोर्ट्स में फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही है, और साथ ही साथ कोर्ट्स में जो रेगुलर हियरिंग हो रही थी वो सब भी बंद है। तो अभी आप जो भी सोच रहे हैं कि आप कोर्ट में जाएं, केस फाइल करें बैंकों के अगेंस्ट, तो अभी आपको केस लिस्ट हो सकते हैं बट उनकी फिजिकल हियरिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे में आप लोग बहुत ही सावधानियां बरतें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो आप बैंकों से प्लीज़ बात करिए, क्योंकि 31 मार्च भी आ रहे हैं और बैंक बहुत सारे ऐसे NPAs हैं जिनको कि वह क्लोज कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप OTS स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक बार बैंक से ज़रूर बात कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, बैंक बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी थोड़े से अपने लिए बेनिफिट्स उठाने चाहिए। आप लोग को बैंकों के रीजनल मैनेजर से बात करके आप अपना जो भी लोन सेटलमेंट है उसको सेटल करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट लेटर उनको देना है, और रिक्वेस्ट लेटर को आपको रिसीविंग भी लेना है। देखिए क्या है कि बैंक के साथ सेटलमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी आप कोर्ट के चक्कर में न पड़े। देखिए हमारा जो भी एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी कोर्ट में फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही है तो इससे आपको नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर आप अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे तो फिर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इससे आपको नुकसान होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आप बैंक से ही बात करते रहें, और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप OTS के माध्यम से आप अपने लोन को सेटल कर सकते हैं। देखिए 31 मार्च के पहले तक बैंक OTS प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हो, चाहे वो NBFC कंपनीज हो। तो आप एक बार OTS के लिए ज़रूर जाएं। फोर क्लोज करना चाहते हैं तो द बेस्ट है OTS, और सेटलमेंट तो आपको पता ही है कि बहुत ही मुश्किल में इंसान करता है, इसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में इंसान करता है तो फिर कर लेता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर अभी सेटलमेंट करना है तो आप बैंक से ही बात करिए, कोर्ट्स के चक्कर में अभी आप मत पड़िए, नहीं तो नुकसान आपका होगा क्योंकि अभी फिजिकल हियरिंग हो नहीं रही है। हाँ, अगर बैंक कोई भी डेफिशिएंसी करता है सर्विस का तो आप कंज्यूमर में एक केस फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो वहाँ पे हमको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। बाकी दोस्तों, जैसे ही मैं पहुँचूँगा अपने चैम्बर में, वहाँ पे चल करके मैं आपको स्टूडियो से वीडियो दूंगा। तो ये है कुछ हमारा गांव का नज़ारा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।